काफी लोगों का कमेंट आता है कि सर हम लोग पीएचडी कहां से करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है सर, कब करें, कौन सा टाइम बेस्ट है, कितने साल का होगा। तो चलिए सारे डाउट करते एक मिनट में खत्म, एक भी डाउट नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर होम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जितेंद्र गोस्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पीएचडी करना सभी का सपना होता है, सपना मतलब भाई ड्रीम है। और ड्रीम क्यों है, क्योंकि नाम के आगे लगता है डॉक्टर, डॉक्टर डॉट डॉट जो भी है। काफी लोग दोस्तों इसलिए ही करते हैं कि फ्रेम के लिए एक नाम मिल जाए, भाई डॉक्टर लगेगा तो थोड़ा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, एक अच्छी इमेज होती है, शादी कार्ड में भी अच्छा लगेगा या अपनी फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम पे भी अच्छा लगेगा। बट दोस्तों पीएचडी करना कोई खेल नहीं है। पीएचडी करने के दोस्तों दो वे, दो रास्ते, सही और एक गलत। गलत रास्ता बहुत इजी है, 3-4 लाख रुपए दो और आपको 3 साल के अंदर पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। मैं उस रास्ते की बात नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों गलत रास्ता एक कॉन्फिडेंस नहीं देगा। अगर आप लोगों ने कर भी लिया तो आपके अंदर से कभी ये नहीं आएगा कि यार मैंने पीएचडी किया है, वो एक फर्जी नाम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं राइट वे की तरफ। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पीएचडी करना एक लॉन्ग टर्म काम होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लिया तो 3 साल में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मिनिमम 2.5 साल हो गया है और मैक्सिमम 5 साल इस बार हो गए नई एजुकेशन पॉलिसी। अब पीएचडी कैसे की जाती, क्या वे है, क्या स्टेप है, कौन सा कॉलेज है, एक एक कर करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माइंड में आता है भैया पैसा कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग दो भागों में यहाँ पर बांटेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। अगर दोस्तों आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको 1 साल का 30-40 हजार रुपए लगेगा। प्राइवेट कॉलेज में वही दोस्तों 80 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपए लगेगा। फीस कंफर्म है, अभी 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर कुछ जुगाड़ है क्या स्कॉलरशिप, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मिलती है फेलोशिप। अगर आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर, इसके ऊपर मैं भी बात करेंगे जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको मंथली 35,000 रुपए मिलते हैं पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर आपका फीस का काम तो खत्म। अब बात करते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक जो डाउट है क्लियर करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, नए एजुकेशन पॉलिसी ने सिस्टम कर दिया है कि आप लोग मास्टर के बाद सीधा अप्लाई कर सकते हो या आप लोग नेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेट वाले के लिए दोस्तों 60% सीटें फुल है, उनको पहले चांस मिलेगा क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, और जिन्होंने सीधा मास्टर किया है उनको इतना फायदा नहीं होगा। तो नेट के साथ अप्लाई करना है, कोशिश करो कि जेआरएफ हो जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद जेआरएफ आपको मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको एक सेंट्रल कॉलेज से करना है, प्राइवेट से मत करो भाई, पैसा बर्बाद है, सीखने को नहीं मिलेगा। आपको करना है दोस्तों सेंट्रल कॉलेज से या स्टेट कॉलेज से, ठीक है। जो भी आपका स्टेट कॉलेज है सेंट्रल कॉलेज है उनका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हर एक कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है कि आप लोगों ने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई किया, सबको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। जब जाके आपका पीएचडी में तो एडमिशन हुआ है भाई, हम तो वो कहते हैं कि सर मैं आई कम इन, तो अभी तो एंट्री हुई है, अब आगे की राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अब दोस्तों पीएचडी होती है रिसर्च के ऊपर, जो टाइम आपको करीब 3-4 साल में लग जाता है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपका गाइड अच्छा है, तो ये पीएचडी आपकी 3 साल के अंदर हो जाती है और आपका नाम के पीछे आगे लग जाता है डॉक्टर। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आप पीएचडी करते हो तो थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना है, दोस्त के पीछे नहीं जाना कि मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं वो करूं, गलत है भाई, किसे कहने में मत आओ, थोड़ा रिसर्च करो। डाउट क्वेरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, वेलकम।